ये इसकी साइड एंट्रेंस लग रही है मुझे। फिर इसके अपोजिट एक एंट्रेंस है और बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग है इसकी, कमाल किस्म की बनी हुई। सर आपको गाड़ियाँ नज़र आती हैं ऐसे खड़ी की हुई लॉटरी के लिए या फिर ये उनका अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए। अरब कंट्रीज़ में जाएं तो वहाँ अक्सर आपको गाड़ियाँ नज़र आती हैं, आप उसके अंदर अपना नाम पता लिख के दें तो भी आपका कुरानदाजी में नाम डाल दिया गया। पिज़्ज़ा हट है कंपास। अब देखते हैं ये एक इसकी एंट्रेंस ये है, एक इसके अपोजिट उधर एंट्रेंस थी जहाँ से हम एंटर हुए थे, और फिर इस तरह ये साइडों पे और तक दुकानें। मेरा ख्याल है सारा कवर करना इतना आसान नहीं होगा, इस तरह दरमियान में जो जगह होती है फिर बाज आंदन में देखें। ये इन्होंने कुछ जगह रखी हुई शायद कुछ भी अभी है यहाँ। हमने देखा कि लोग जो हैं टिश टेनिस टेबल टेनिस वहाँ उन्होंने कोई फ्रेंड वो उनके लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्होंने रखी हुई है, लोग जो अपना आके खेलने या अपना ब्रेक जब वो पी जैसे काम करने वाले लोग हैं उनकी इंजॉयमेंट के लिए या फिटनेस के लिए। फिर इधर ये देखें ये उन्होंने स्ट्रॉन्ट वी आर जेन उन्स आर्मस्ट्रॉन्ग, अच्छा ये उन्होंने कुछ बनाया हुआ मशहूरी डली हुई अपनी वो अगर किसी ने। फिर यहाँ बच्चों के लिए है कुछ प्रोग्राम चल रहा, लेकिन बाहर कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा एक चक्कर राउंड लगा के आपको जो है वो दिखा दिया जाए। इधर से भी एक एंट्रेंस नज़र आ रही है, एक रास्ता ऊपर को जा रहा है, चलें ऊपर से चल कर देखते हैं ऊपर वाले फ्लोर में क्या है। तो मोल सीढ़ियों से निकलते ही सैटर्न बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक का स्टोर है, इसमें तकरीबन इलेक्ट्रॉनिक के मुतलका हर चीज़ को हैंडी है, मोबाइल का एग्रीमेंट या नया मोबाइल या सिम का फटराग करना या कुछ ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। और ऊपर से फिर इधर मेरा ख्याल इस वक्त के अभी रश नहीं है, वीकेंड पे ज़्यादा रश होने का अमकान होता है। एक पूरी गैलरी इस तरह है, मुख्तलिफ दुकानें इस पर नज़र आ रही हैं छोटी मोटी, उसी साइड पे क्या है देखते हैं। इसी तरह फिर यहाँ एक दुकान है फोटो स्टूडियो तस्वीर वगैरह, और फिर इधर ऐसे ही पूरी की पूरी गैलरी है पीछे तक, मुख्तलिफ दुकानें यहाँ बनी हुई हैं। मतलब पहले फ्लोर देखा हमने थोड़ा सा और ये ऊपर वाला फ्लोर है, इसके ऊपर जो छत बनाई गई है ना इसके ऊपर एक ज़माना था इन्होंने बाकायदा घास लगा के लोगों के इंजॉयमेंट के लिए कुछ, फिर बाद में इन्होंने कोरोना टाइम में उसको पार्किंग बना दी थी। देखते हैं ऊपर भी एक नज़र, हाँ दूसरे फ्लोर के ऊपर जो उन्होंने ये सारी की सारी कवर करके पार्किंग जो है वो है, फिर उसके ऊपर फिर पार्किंग है, फिर उसका ऊपर जो छत है शायद वहाँ अभी भी कोई ऐसा इंतजाम हो। तो जी इस फ्लोर पर मैंने जो देखा है ज़्यादातर ये जो बाल काटने वाले नाखून बनाने वाले इस तरह की वो ज़्यादा दुकानें मुझे नज़र आई हैं। फिर यहाँ जॉब पे और जे अच्छा इन्होंने मुख्तलिफ इश्तहार जॉब के, इधर के बच्चों की कुछ लग रही कोई छोटा सा स्टोर है। अब आगे मुझे लग रहा है खाने पीने वाली जो दुकानें हैं इसको फूड कॉर्नर कहते हैं शायद यहाँ पे वो होगा। ये देखें सबसे पहले है जी ये ऊपर तस्वीर भी बनी हुई है, और फिर दोनों तरफ पे दुकानें दुकानें हैं खाने पीने वाली। इधर हाँ एम है, लोग पसंद करते हैं बाज़ का किनारे पे बैठना जहाँ बाहर का मनाजर नज़र आए, लेकिन बड़ा अच्छा खूबसूरत स्टाइल में इसको सजाया गया है। इधर भी आप देखें रश नहीं है, रश का टाइम नहीं है क्योंकि अभी ना तो ये वीकेंड है वर्किंग टाइम है, इसलिए इसलिए मैं एक आपको नज़र दिलवा दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं, ताकि थोड़ा बहुत आप लोगों को पता चल जाए कि जब भी कोई बंदा यहाँ आना है कोई खाने पीने के लिए। देखें ये अब इसके अंदर इन्होंने आलमोस्ट हर चीज़ रखी हुई है, गानर और ये वो लाक और बस ये देखें आप ईरानी ईरान की है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, तो तारी की इतनी शार्प नहीं होती, यानी ये तेज़ नहीं होती, हल्का टेस्ट होता है इसका। कोई चाइनीज़ चाय
गए थे, तरह तरह के शीशी बॉक्स टू गो बॉक्स बनवा के यहाँ से आपके साथ ले जा सकते हैं। नहीं जी, वो भी हमने देख लिया। फिर इसके बाद आगे कौन सोनी चीज़ें हैं हर तरह की, ये बॉक्स बना के, चाहे ग्रिल्ड रैप्स आ तो इधर ये रैप्स बना के देते हैं, और दिलचस्प चीज़ें हैं काफ़ी। जो देखिए इस साइड पे क्या है, दिल्ली और फ्रेश आलू, यहाँ भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो चल इस तरह आगे चलते हैं थोड़ा, इस तरह के ये कई विंग्स हैं इसके अंदर ना, काफ़ी बड़ी है। अब इस पर टाइम नहीं है कि सारी को कवर किया जाए, लेकिन अमूमन लोगों को दिलचस्पी होती है फूड, तो फूड वाला हिस्सा जो है ना वो मैंने आपको दिखा दिया। बाकी इसमें से आप जब निकलते हैं तो विंग्स हैं मुख्तलिफ साइडों को, जो पैदल चल के अपनी अपनी दुकानों पर जाने के या ख़रीदारी करने के लिए।